हेलो साथियों, नमस्कार। मैं DRX विकास और आप देख रहे हैं DP प्रो एजुकेशन। मैं आप सभी का DP प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। बहुत से बच्चों का इंतजार था मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेज आ रहे थे। मैंने उनको यही बोला था और जो कहा था ना वही हुआ है साथियों। जो मैंने आपको बोला था वही हुआ है। मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है साथियों। अब आपको देखना होगा मेरिट लिस्ट आ चुकी है, उनमें किन किन स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है और जिनका नहीं आ रहा उनको क्या करना होगा साथियों। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला। और आपके भाई के द्वारा जो बोला गया ना था ना कि 1 सितंबर से पहले आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देख लिए साथियों आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आपके भाई ने बोलता है ना बिल्कुल साथियों, वो बिल्कुल करेक्ट बोलता है, ठीक है। और आपको देखिए, जिनका नाम नहीं है उनको क्या करना होगा उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम बताएंगे। प्लस में कट ऑफ क्या रहा है, आपका कट ऑफ क्या रहा है, जो आपको बताया गया था ना, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भाई के द्वारा आपके भाई के द्वारा बताई गई थी वही कट ऑफ रही है साथियों। देख लीजिए, आपको विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सभी के लिए जरूरी सूचना है, तो जरूरी सूचना क्या है सभी के स्टूडेंट्स को देखना जरूरी है साथियों। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते करते हैं वीडियो को स्टार्ट साथियों। इससे पहले कहना चाहूंगा, आप एक बार क्लास को लाइक कर देना साथियों, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो भी मेरिट लिस्ट देख सके साथियों। बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हो चलते हैं, बिना स्किप करते हो वीडियो को देखना। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी थी आपको। टेलीग्राम व्हाट्सअप पर पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, तुरंत इन्फॉर्मेशन आती है वैसे के वैसे ही। बाकी चलते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, वहां देखेंगे आपकी ओरिजिनल मेरिट लिस्ट साथियों। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए, आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। इसमें ओपन करते ही आपको DGMHUP सर्च करना होगा। आप जैसे ही सर्च करोगे आपको जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलती है इस पर आपको क्लिक करना होगा साथियों। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन आप अगर ANM GNM वाले पोर्टल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर सर्वर अनअवेलेबल बता रहा है। तो साथियों, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं। वापस जैसे ही आएंगे तो आपको नीचे एक नोटिस देखने को मिलेगा। जैसे हम स्विप अप करते आएंगे साथियों, तो आपको इस प्रकार से नोटिस है जो देखने को मिलेगा साथियों। देखिए, आपको इस तरह से यहाँ पे ये नोटिस है जो देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट दे रखा है ANM का और उसके बाद में GNM की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, ठीक है। प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे दे रखी है साथियों, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में दे रखी है ANM की और सेकंड दे रखी है आपकी GNM की साथियों। आपका नोटिस कल ही आ गया था, कल ही मेरिट लिस्ट आ गई थी, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया। जैसे मेरे को टाइम मिला मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ साथियों। तो चलते हैं, करते हैं क्लिक। हम देखते हैं पहले तो ANM की पे करते हैं, GNM की पे। चलिए आप बताइए, चलिए तो हम GNM की देख लेते हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है। GNM के हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे, तो अब ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में देखना, ठीक है। ओपन होगी अभी, देखिए ये ओपन होने के लिए WPS ऑफिस से हम देखते हैं इसको ओपन करके, ठीक है। चलिए चलिए, तो आपकी देखिए ये वेबसाइट पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट से खुलकर आ चुकी है मेरिट लिस्ट आपके सामने साथियों। अब देखते हैं क्या मेरिट लिस्ट होने वाली है, क्या क्या कट ऑफ आने वाली है। तो साथियों, ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी खुल चुकी है। तो देखिए, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे विभागीय वेबसाइट DGMHUP की पोर्टल पर यह खुल चुकी है। तो देखिए, दिनांक 1/7/2024 से दिनांक 31/7/2024 तक GNM, ठीक है, GNM प्रशिक्षण 2024 हेतु क्या ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया था। पात्रता आपको पता है, 10+2 के अंक प्रतिशत के योग के मेरिट लिस्ट के आधार पर यहां पे क्या होने वाला है, एडमिशन होने वाला है साथियों। तो यहां पे GNM के टोटल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट निकाली गई, वो निकाली गई 1359 कैंडिडेट्स की साथियों, ठीक है। 1359 सर, इसमें सीट तो 453 है, 1359 क्यों लिए गए? तो साथियों, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या है, किसमें रखा जाता है, वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। आप इसको काउंट कर सकते हो, 1359 जो कैंडिडेट्स हैं इनमें से 453 को ही लिया जाएगा। लेकिन 453 को लेने के बाद में इनको क्या वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है बाकी को, क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट सीट छोड़कर जाता है, कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता, किसी को कॉलेज दूर है तो किसी को क्या नहीं मिलता है, तो वेटिंग लिस्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मौका दिया जाता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारी जो क्या कट ऑफ है। तो ANM है तो 15% पुरुषों के लिए 10% सीटों का आरक्षण है और 75% अन्य महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण है, ठीक है। ANM हेतु तो 15% पुरुषों के लिए ANM हेतु, ठीक है, ANM हेतु, और 10% आरक्षण सीटों का पुरुषों के लिए। बाकी चलते हैं हमारी नेक्स्ट, जो 453 सीट है, ठीक है, 453 सीटों पर अभ्यर्थियों का क्या होगा, ये होगी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, बाकी 906 है उनको वेटिंग लिस्ट में प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है,
1/9/2024 को शाम 5 बजे तक क्या है अवगत करा दे। अगर आपको कोई भी क्या है डाउट है, अगर कोई भी आशंका है शंका है, तो आप जो ईमेल आईडी दे रखी है ना admission@gmail.com पर क्या है दिनांक 1, अगर आपको कोई भी शंका है आपके मेरिट लिस्ट में कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस पर ईमेल कर देना। साथियों नेक्स्ट देखते हैं, 453 सीटों के लिए है, शॉर्ट लिस्टेड दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए अलग से रखी गई है। बाकी चलते हैं आपकी सबके अलग अलग कट ऑफ देखते हैं लाडलो, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कट ऑफ जीएनएम ट्रेनिंग 2024 जीएनएम ट्रेनिंग तो प्रोविजनल कट ऑफ 1359 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 10% पुरुषों के लिए, ठीक है, ओनली फॉर 10% पुरुष लिए गए हैं इसमें, जिसमें से जनरल की कट ऑफ गई है साथियों कितनी 87, जैसा कि आपके भाई के द्वारा 90 के समथिंग बताया गया था 87, ईडब्ल्यूएस के लिए 82, ओबीसी के लिए 85 और एससीएसटी के लिए 83 और 78 गई है साथियों। ये तो रही पुरुषों की, बॉयज़ की कट ऑफ, ठीक है, बॉयज़ की कट ऑफ आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी है प्रोवाइड करा दी जाए, डाल दी गई है भाई, ठीक है, डाल दी गई है ये लिस्ट। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो साथियों 15% एएनएम के कैंडिडेट्स के लिए जिनकी कट ऑफ देखिए न्यूनतम कट ऑफ एएनएम जिन्होंने क्या है एएनएम कर रखा है फिर वो जीएनएम करने के लिए आया, तो 47 कट ऑफ गई है जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट सब आ चुके हैं इसमें, मतलब एनए का मतलब है सभी का क्या है सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि इतने ही फॉर्म में अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं 4% विकलांग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, विकलांग कैंडिडेट्स के लिए जनरल की 75 की है, ईडब्ल्यूएस 66, ओबीसी की 60 और एससी की एसटी की 59, ठीक है, यानी कि 60 के समथिंग, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गई है साथियों उनके जो बच्चे उनके जनरल की 73, ईडब्ल्यूएस की 57, 53, 59 आप देख सकते हो। फिर हम 5% भूतपूर्व सैनिक उनकी अगर कट ऑफ देखें तो कितनी 52 और नील, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले सभी कैंडिडेट्स को लिया गया, बाकी जनरल की कट ऑफ गई है 52, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी 75% अभ्यर्थी हेतु श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ, जो 75% जो कट ऑफ है उसकी बात करते हैं हम साथियों, तो जनरल की गई है वो 86 गई है, ईडब्ल्यूएस की 82, ओबीसी की 85, एससी एसटी की 82 और 79 गई है, ठीक है, 75% अभ्यर्थियों हेतु। चलिए साथियों अब देखते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ जो आपको गई है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार स्टार्टिंग से एंड तक की, ठीक है। तो आप साथियों यहां पर देख सकते हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर आपके भाई के द्वारा दी गई है, तो देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको नाम सर्च करना होगा, ठीक है, इसमें आपको नाम सर्च करना होगा आपका नाम क्या है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कर सकते हो। तो देखिए फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अप्लाइड कैटेगरी कौन सी है उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर, डिपार्टमेंट एएनएम का है, एवरेज मेरिट लिस्ट गई है वो कितनी गई है, हाईएस्ट गई है वो 97.100 गई है, देख लीजिए प्रिंसी राजावत, ठीक है, प्रिंसी राजावत की हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो गई है 97 गई है साथियों 97 देख सकते हो आप, 97 वाले स्टूडेंट सबसे फर्स्ट आए। उसके बाद में देखिए आप यहां पे कैटेगरी देख सकते हो और कट ऑफ आपको यहां पे दी हुई है साथियों, ठीक है, कट ऑफ आपको यहां दी हुई है, पहले तो जनरल की दे रखी है, बाकी जनरल के बाद में आपको देखिए कौन सी कैटेगरी दे रखी है देखते हैं, ठीक है, हाईएस्ट तो 97 गई है जनरल की। अब देखते हैं कम से कम कितनी गई है साथियों, ठीक है, एक एक अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, और अगर कम से कम कट ऑफ देखी जाए ना तो 86 गई है साथियों, देख लीजिए जनरल वालों की कट ऑफ कितनी गई है 86, वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों की 86 हाईएस्ट गई है, और कम से कम देखते हैं कितनी गई है ओबीसी वालों की, एससी एसटी वालों की भी काफ़ी आई गई है भाई, ठीक है, तो ये टोटल कट ऑफ आप देख सकते हो साथियों, ठीक है, पूरी लिस्ट आपको ग्रुप में डाल दी गई है वहाँ से जाके देख लेना, एस सी एस टी वालों की 83, आप अगर नेक्स्ट जाकर देखते हो एंड में तो आपको एंड की कट ऑफ भी मिल जाएगी 47, जो कि किन की गई है साथियों, जो कि वो है ना भूतपूर्व सैनिक है उनकी, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है, डिसेबिलिटी है उनकी, सबसे कम कट ऑफ गई, तो ये मेरिट लिस्ट आप इसके बाद में हम ओपन करते हैं कौन सी एएनएम वाली साथियों, चलिए साथियों यहाँ से एएनएम की हम कट ऑफ की वो मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड करते हैं, चलिए। तो देखिए इसके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, इसके बाद में आपको अभी ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ खोलने का, ठीक है, पीडीएफ खोलने का भी ऑप्शन आने वाला है, देखिए वेट करिए, जो थोड़ा वेट कीजिए, ये आ चुका है आपके सामने, आप इस WPS ऑफिस से हम इस PDF को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में देखिए कैसा इंटरफेस आता है, आपको कट ऑफ बताएंगे ANM की क्या कट ऑफ गई है, ठीक है, जिसमें ओनली फॉर गर्ल्स है वो एलिजिबल है, बॉयज़ एलिजिबल इसमें है नहीं है साथियों, ठीक है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारी जो कट ऑफ है उसकी तरफ साथियों, देख लीजिए स्किप करने के बाद में क्या इंटरफेस खुल रहा है आपके सामने,
देख सकते हो साथियों आपके सामने जो कट ऑफ की जो मेरिट लिस्ट है वो खुलकर आ चुकी है, देख लीजिए। तो वेबसाइट पे जो जो आपके आवेदन थे वो सेम थे, 1 से 1/7 से और 31/7 तक, ठीक है। A&M के जो कोर्सेज के जो आवेदन थे 10+2 के औसत के मेरिट लिस्ट पे इनका क्या होगा, और 2700 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली जाएगी, उनमें से कितने कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, ओनली फॉर 1800 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा साथियों, ठीक है। 1800 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, बाकी 900 अभ्यर्थियों को किसमें बैटिंग लिस्ट में रखा जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, अब बाकी चलते हैं इसमें। 20% सीटें तो आशा संघनी आशा कार्यकर्तनी के लिए, 80% सीटें इसमें महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए रखी गई है। 900 को क्या है प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, जो भी क्या है लड़कियां क्या है कॉलेज छोड़कर जाती है, कोई नहीं जा पाती है, किसी के क्या रीज़न है, किसी का क्या रीज़न है, तो वो नहीं जाती है, तो 900 में से फिर आपको लिया जाएगा साथियों, ठीक है। अब चलते हैं कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ देखिए 20% जो आशा कार्यकर्णी संगनी है उनकी कट ऑफ रही है वो रही है 63 हाईएस्ट, जनरल की EWS 44, OBC 57, SC 55 और ST 44 ये कट ऑफ रही है। उसके अलावा हम भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ देख सकते हैं, बहुत कम जाती है जो कि बहुत कम मिलते हैं। बात करते हैं हमारी मेन जो कट ऑफ है वो है 80% अभ्यर्थियों वाली साथियों, ठीक है। तो न्यूनतम कट ऑफ का विवरण देख सकते हो आप, ANM की 84 गई जो कि आपके भाई के द्वारा बताया गया था वही कट ऑफ है, EWS की 78 गई है, OBC की 81 गई है, SC और SC की गई है 79, 75 की है, ST के साथियों ये कट ऑफ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको अगर PDF चाहिए तो आप उस साथियों ग्रुप में जाकर ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपना नाम देख सकते हो अगर चाहते हो तो। मैंने आपको जो वेबसाइट खोल के बताई है आप DGMHUP के वेबसाइट पर जाकर भी इसको खोल सकते हो, ठीक है साथियों। वहाँ से दोनों मेरिट लिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से यहाँ पर सर्च कर लेना अपना नाम, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं देखिए हम नेक्स्ट किन किन का नाम है, स्टार्टिंग में कितनी कट ऑफ गई है ANM की अगर बात करें, ANM में हाईएस्ट कट ऑफ गई है साथियों वो गई है 95, कितनी गई है 95 कट ऑफ गई है, जो किसकी गई है साबरीन निशा की, ठीक है। साबरीन निशा की हाईएस्ट कट ऑफ गई है साथियों ओबीसी कैटेगरी से 95। अब अगर वहीं हम बात करें तो सबसे कम ओबीसी वालों की कितनी कट ऑफ गई है वो देख लेते हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की साथियों, ठीक है। देखते हैं कितनी कट ऑफ गई है, देखिए तो आपकी UR वाले कैंडिडेट्स की जो कम से कम कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 84 गई है, ठीक है 84 गई है कट ऑफ। वहीं अगर OBC की हम बात करें तो OBC की कट ऑफ कितनी गई है साथियों, OBC की कट ऑफ 84 है। इसके अलावा आप देख सकते हो साथियों, क्योंकि एक एक करके बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप देख सकते हो इसमें आपको ग्रुप में मिल जाएगी PDF। और साथियों अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया ना, क्लास को वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो भी कैंडिडेट्स से अपनी शॉर्ट लिस्ट में नाम देख सक। अब बात आती है सर जिनका नाम नहीं आया उनको क्या करना होगा साथियों, जिनका नाम नहीं आया वो जाइए प्राइवेट कॉलेज में, अगर एडमिशन मिल जाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ANM GNM में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो साथियों, ठीक है। ANM GNM में अगर एडमिशन लेना चाहते हो आप अगर प्राइवेट कॉलेजों में तो आप एडमिशन ले लीजिए, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर UPGET का एग्जाम होगा, आप GNM में भी एडमिशन ले सकते हो और नेक्स्ट ईयर भी आप अप्लाई कर सकते हो साथियों, ठीक है। जिनका नाम नहीं आया वो डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले ले, ठीक है, क्योंकि एक साल वेट करोगे उससे कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है साथियों। इसी के साथ में करते हैं आपकी क्लास को स्टॉप, बाकी बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और आपका क्या डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ पर DB प्रो एजुकेशन के द्वारा साथियों बच्चों के कमेंट्स के डाउट्स के ऊपर क्या वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, तो बताइए आपका क्या डाउट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी बने रहना DB प्रो एजुकेशन के साथ में, नेक्स्ट जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसके बारे में आपको बताएंगे, और नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन आती है सबकी इन्फॉर्मेशन आपको DB प्रो एजुकेशन चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है साथियों। चलते हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।